हर दिन लिए कुछ एहसास एहसास पहुंचता है आपके पास आपके पास ज्ञान सागर आरजे विपिन के साथ। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऐसा ऊर्जा का गुबार भरा कि विदेशी हुकूमत को उनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहे की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती हैं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी जिनके लिए देश प्रेम से बढ़कर कोई और धर्म नहीं था। भगत सिंह कहते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं। किसी को भी क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं की जा सकती। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा था, जिसे 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित किया गया। वो लिखते हैं, क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, इसे पढ़ो। यह एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहिरिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है।